ओम शांति दोस्तों, तरंग तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए चार मॉस्फेट की मशीन है, इसको हमने ओपन किया हुआ है दोस्तों। इसमें देखिए हम सबसे पहले लाइन देते हैं दोस्तों। लाइन देने के बाद देखिए आपका शेयर तो ऑन होगा। देखिए इसमें आपका ये फैन काम करने लगा, लेकिन ये आपका जो डिस्प्ले सिस्टम है या ये बोर्ड की जो सिस्टम है ये आपका ऑन नहीं हो रहा है। इसमें देखिए दोस्तों ये दो ट्रांसफार्मर जो लगाया गया हुआ है, इस एक ट्रांसफार्मर से छोटे वाले ट्रांसफार्मर से ये फैन का कनेक्शन हुआ है, क्योंकि फैन तो शो करा नहीं। बड़े वाले ट्रांसफार्मर से जो है ये आपका ब्लूटूथ डिवाइस प्लस ये आपका बोर्ड कार्य करता है, जो कि नहीं कर रहा। सबसे पहले हम इस सेट डेटा, तो सबसे पहले हम इसके ट्रांसफार्मर को ही चेक करते हैं, क्योंकि आपका ये मेन लीड जो है मेन लीड के द्वारा इसमें लाइन आ रही है, तब तो ये आपका पंखा चल रहा है। सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। ये देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर का जो दो वायर है, ये वायर देखिए ये आपका छोटे वाले ट्रांसफार्मर का हो गया और ये आपका बड़े वाले ट्रांसफार्मर का हो गया। इसको मीटर से सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आपका ये दो वायर है, ये देखिए मीटर से हम इसको चेक करते हैं। और ये देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर देखिए मीटर से नहीं शो कर रहा है, मीटर पर ये आपका देखिए ये ट्रांसफार्मर आपका ये शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये ट्रांसफार्मर आपका ओपन हो गया है। इस ट्रांसफार्मर को हम निकालते हैं इसको, उसके जगह हम दूसरा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों हम इस ट्रांसफार्मर को निकाल रहे हैं। ये आपका सेकेंडरी तरफ जो सीधा है ये आपका तीन वायर है, प्राइमरी तरफ आपका ये दो वायर है। ये जो ट्रांसफार्मर दोस्तों होता है, ये जो आपका पीसीबी है ये एक तरीके का थ्री वे सप्लाई होती है। इस पीसीबी के अंदर ये तरीके का थ्री वे सप्लाई होता है। ये ट्रांसफार्मर जो होती है आपकी 18018 की होती है। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर आपके 18018, देखिए इसमें लिखा नहीं है लेकिन ये होता है आपका 18018 का ट्रांसफार्मर। इसके जगह देखिए हमने दूसरा ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। ये देखिए ये आपका 18018 प्लस 0920 में है दोस्तों। ये 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है, ये भी आपकी 5 एम्पीयर का ये कंपनी से लगा हुआ सेट है। ये मार्केट का दोस्तों ट्रांसफार्मर है, इसको हम लगाते हैं। इसमें देखिए जो आपका ये आपका प्राइमरी सिरा हो गया और ये आपका सेकेंडरी सिरा हो गया। इसमें देखिए दिया गया दोस्तों सेकेंडरी सिरे में इसमें आपका 5 वायर दिया हुआ है। इस 5 वायर में देखिए ये आपका 18018 देखिए इस पर लिखा हुआ भी है 18018। ये मोटे वाले कॉयल 18018 है और पतले वाले ये 09 है। 09 इसमें इसलिए दे दिया जाता है दोस्तों, कभी कभी होता क्या है ये आपका बीटी पैनल का कनेक्शन अलग होता है कुछ सेटों में, तो उसके लिए लगा होता है। तो इसका कनेक्शन हम नहीं करेंगे और इसका कनेक्शन हम करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये पुराने वाला ट्रांसफार्मर से जो हमने 3 वायर काटा हुआ था, ये देखिए हम इसको कनेक्शन करेंगे। इसमें देखिए 3 वायर है, एक वायर पर देखिए हम ये ब्लू वाला वायर लगा देते हैं। तो 2 वायर ब्लू है और 1 वायर येलो है। येलो वाला वायर आपका बीच में रहेगा जो कि पीसीबी का अर्थ है। इस पर दोस्तों एक विशेष बात ध्यान देना होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर आपका एल्यूमिनियम का होता है और ये जो आपका वायर है ये है कॉपर का। अगर आपको इस प्रकार से आप फोल्ड कर देंगे तो कुछ समय हीट होने के बाद ये आपका एक तरीके का कार्बन आ जाता है और सेट में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, या बंद होकर चालू होगा या कोई भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। तो इसमें करते क्या है, इसको इस प्रकार से आप फोल्ड करके अगर टेप कर देंगे तो ये आपका काम तो कुछ समय के लिए करेगा, लेकिन कुछ समय बाद इसमें आपका स्पार्किंग आने लगेगा। तो इसमें करते क्या है, इसमें एक एल्यूमिनियम पेस्ट आता है जिसको हम इसमें लगा कर फोल्ड करेंगे तो ये आपका कॉपर का वायर पकड़ लेगा। ये देखिए दोस्तों ये आपका एल्यूमिनियम पेस्ट है, इस पर आपका जो ये रंगा होगा दोस्तों ये एल्यूमिनियम पे आपका पकड़ेगा। ये देखिए हमने एल्यूमिनियम पे ये रंगा से आपका सोल्ड कर दिया। अगर इस पर रंगा दोस्तों नहीं पकड़ेगा तो कुछ समय के बाद ये स्पीकर बजने के बाद इसमें आपका ये कार्बन आ जाएगा। ये देखिए ये आपका रंगा तीनों वायर पे अच्छे तरीके से पकड़ लिया है, जिसकी वजह से ये आपका स्पार्किंग नहीं आएगा।
ये देखिए हम इसमें एसी लाइन दे दिया दोस्तों, और ये देखिए हम इसमें एसी लाइन दिए, और ये देखिए ये आपका डिस्प्ले दोस्तों ये ऑन हो गया है, और ये देखिए दोस्तों ये आपका सेट ऑन हो गया जो कि 18018 है। ये चार मॉस्फेट की ये बोर्ड है आपकी, देखिए आपका चार मॉस्फेट लगा हुआ है। अब इस सेट को हम स्पीकर लगा कर ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो हमने आपका ये चार मॉस्फेट का ट्रांजिस्टर सीडी थी, ये देखिए हमने ये ट्रांसफार्मर लगा दिया और ये हमने स्पीकर इसमें कनेक्ट कर दिया। इसको देखिए हम ऑन करते हैं, ये आपका ये सेट ऑन हो गया दोस्तों। दोस्तों सीआरटी टीवी, एलईडी टीवी या ट्रांजिस्टर मशीन या 44 एम्पलीफायर का कोई भी संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो ग्रुप दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।